ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को हर साल इन्वॉल्व करती है। जब हम किसी को कहते हैं कि प्रिवेंशन है बेटर देन क्योर, तो उसका मतलब यही होता है कि आप जब हड्डियों को बचपन में मजबूत नहीं करेंगे तो वो आपको सारी उम्र सपोर्ट नहीं करेंगी, वो जल्दी कमजोर हो जाएंगी। तो जो बच्चे होते हैं उनको हेल्दी डाइट के ऊपर शिफ्ट करना, जंक से दूर रखना, उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, उनको कैल्शियम और वाइटामिन डी, दूध और दूध से बनी अशिया को उनकी खुराक में शामिल करना, ये उनकी मजबूती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। जो ही ये बच्चे बड़े होते जाते हैं फिर इनकी एक्टिविटीज को आप कोशिश करें कि आउटडोर एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, उसके ऊपर इनका फोकस करें। आजकल कंप्यूटर पे और मोबाइल पे आके बच्चे बहुत लेजी हो गए हैं और हमें डर है कि हमारी अगली जनरेशन की हड्डियां कमजोर ना हो जाएं। दूसरा, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको एडिशनल विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे ने तो अब माँ से अपनी सारी की सारी खुराक ले जानी है, इसलिए बच्चे को और माँ को दोनों को महफूज करने के लिए इनको कैल्शियम और विटामिन डी और दूध की बनी हुई चीजों से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, और डेली थोड़ी सी इन माओं को एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जितनी उनके गायनेकोलॉजिस्ट उनको एडवाइस करती हैं। जब आप बूढ़े होने की तरफ आते हैं तो उसमें फिजिकल फिटनेस वही हमेशा याद रखी जाती है। अगर फिजिकली आप फिट नहीं हैं तो बेशक आप 45 साल के हैं तो आपकी माजूरी शुरू हो गई, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो 90 साल के ऊपर भी आपकी माजूरी हड्डियों और गोश्त की तरफ से, मसल्स की तरफ से नहीं आ सकती। इसका मतलब यह है कि कम से कम 2 घंटे दिन में आपने अपने आप को चलने फिरने में मसरूफ रखना है, ये कम से कम है। हर दूसरे तीसरे दिन भी अगर आप आधा घंटा खड़े होके वॉक की एक्सरसाइज कर लें, अपर बॉडी लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस कर लें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, धूप में थोड़ी देर के लिए सर्दियों में बैठें ताकि वो आधा घंटा लगता कि आपके जिस्म के ऊपर धूप पड़े, उसका मतलब ये नहीं है कि कपड़ों के ऊपर धूप पड़ने से विटामिन डी मिलेगी। आपका जिस्म के जैसे बाजुओं तक, वो आपके कोहनियों तक बाजू और फिर घुटनों तक आपके, ये अगर उसके ऊपर आप धूप ले लें और चेहरे के ऊपर, तो अगर आप एक सीजन धूप ले लेती हैं एक साल की विटामिन डी आप में बन जाती है। इस तरफ से हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ रहें, फिजिकल एक्सरसाइजेस करें, कैल्शियम लें, विटामिन डी लें, सन एक्सपोजर लें, तो इसके साथ आप अपने आप को बुढ़ापे में भी महफूज कर सकती हैं। मेरा ख्याल है कि आज के दिन के लिए प्रिवेंशन के लिहाज से आप लोगों के लिए यही सबसे बड़ा मैसेज है।